अब वो घड़ियाँ समाप्त हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार सिवान जंक्शन के आगे से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही बस है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो कोटा से आए हुए थे उन्हें इसी बसे में बिठा दिया गया है और अब इन्हें ले जाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई यहाँ पे कुछ अभिभावक, जो बच्चों के अभिभावक हैं, वो पहुँचे हुए हैं अपने बच्चों के इंतज़ार में, जिसमें कुछ महिलाएँ भी शामिल हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आपकी कौन से, आपके कौन से बच्चे आ रहे हैं। कोटा से आ रहा है हमारा बेटा और वो अभी पहुँचा है। तो कैसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपका बेटा? बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन तक वहाँ फंसा रह गया बच्चा हमारा जी। बट शुक्रिया कहेंगे प्रशासन को कि उन्होंने हमारे बच्चे को यहाँ ला दिया और आज हमारा बच्चा आ गया है। बहुत खुशी हो रही है हमको, इसके लिए हम प्रशासन को बहुत शुक्रिया कहेंगे। बच्चे जब आ रहे थे कोटा से तो आप लोग कांटेक्ट में होंगी उनसे, रास्ते में किसी तरह की परेशानी या जो सुविधाएं? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छे से उन लोगों को लाया गया है, बहुत ख्याल रखा गया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आपको तो पता होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा कुछ जो निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो आपको पता है? नहीं। जैसे कि जो बच्चे आएंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये कुछ इसके बारे में? होम क्वारंटाइन करेंगे। अच्छा जी, बच्चे होम। बच्चा आपका क्या करता था कोटा में और क्या नाम है उसका? ताहा हसन नाम है। क्या करता था? और वहाँ तैयारी कर रहा था IIT की। तो अब यह माना जाए कि जो अभी रमजान के महीने चल रहे हैं और ईद त्यौहार कुछ ही दिनों में आएंगे, तो काफ़ी जश्न के साथ, हालांकि कोरोना तो है ही लेकिन उसके बावजूद परिवार के साथ मिल करके इस त्यौहार को मनाया जाएगा? नहीं, उसको अलग रखा जाएगा, बिल्कुल अलग रखा जाएगा उसको। उसके लिए अलग हम लोगों ने इंतज़ाम कर दिया है, बिल्कुल एक अलग रूम है उसके लिए, सारा कुछ अलग कर दिए हैं और वो घर से मिल के नहीं रहेगा। बस ये है कि आज क्या कुछ तैयारी है घर पे जब बच्चा जाएगा, तो आज क्या कुछ स्पेशल कुछ तैयारी है उनके लिए? उनके लिए सब कुछ हमने बस एज ए हॉस्पिटल सारा कुछ अलग हम करके आए हैं उसके लिए। और अभी यहाँ से टेस्ट हो जाएगा, ले जाएंगे और बिल्कुल अलग रखेंगे। सबसे पहले तो वो सारा उसको सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद फ्रेश होके बिल्कुल अपने। आपके साथ कोई और भी यहाँ पे? हमारे हस्बैंड, उनके पिताजी हैं। जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं ये उनके माता और पिता हैं, जो इनके बच्चे थे वो बाहर में तैयारी करते थे कोटा में, और आज काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद लॉकडाउन थी और उसके बाद वो बच्चे फंस चुके थे, लेकिन आज इनके चेहरे पर वो खुशी देखी जा रही है जो एक माँ और पिता के आंखों में देखी जा सकती है। हम इनको, जो बच्चे आ रहे हैं उनके पिता से बातचीत करेंगे। आज का वो दिन कैसा आपके लिए है? बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि हमारा बच्चा और हमारे शहर के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी का समय है। तो बच्चे जाएंगे क्वारंटीन, होम क्वारंटीन होंगे, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां घर पे की गई है? जी, जैसा कि वाइफ ने बताया कि सारी कुछ तैयारी की गई है, एज हॉस्पिटल की तरह से उसको किया गया है, ये सब हम लोग करके आए हैं। तो आप लोग यहाँ जंक्शन पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन बच्चे तो जंक्शन से आपको दिए नहीं जाएंगे, आपको ब्लॉक जाना होगा, वहाँ से शपथ पत्र भरे जाएंगे, फिर तब जा करके बच्चों को आप ले करके अपने घर पर जाएंगे। हाँ, प्रशासन अपना काम कर रही है, और लेकिन ये एक दिक्कत है कि अगर जीरादेही जाना होगा तो हम लोग के पास नहीं, जीरादेही नहीं, जो अगर शहर के आप रहने वाले हैं तो यहाँ का जो ब्लॉक है वहाँ से बच्चे आपको तो ठीक है, हम लोग वहाँ जाएंगे, प्रशासन अपना काम करेगी, फिर हम लोग जाके बच्चों को ले आएंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जब श्रमिक एक्सप्रेस, जो स्पेशल ट्रेन है, जब सिवान जंक्शन पर पहुंची, तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर सिवान के जंक्शन से दिखा रहे हैं कि ये वही बस है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं, और जो बच्चे बैठे हुए यहाँ पर वो तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे बच्चों को एक एक करके बिठाया जा रहा है, और फिर इन बच्चों को हम कहेंगे कि उसे क्लोज करके और दिखाएं उस तस्वीर को कि जो बच्चे कोटा से चलकर आए हुए थे उन्हें इन्हीं बसों में बिठाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा मीडिया कर्मियों को जाने की अनुमति जंक्शन पे नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है आखिरकार, ये जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी बताएंगे, लेकिन ऐसे में यह हो सकता है कि कुछ कमियां होंगी जिसको मीडिया के द्वारा उजागर कर दी जाएगी, और शायद इसी को लेकर के संभवतः आगे जाने का निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो कोटा से आ चुके हैं और अब उन्हें होम क्वारंटीन भेजने की तैयारी।